झारखंड में संगठित अपराधियों का दबदबा बढ़ गया है। अपराधियों के पास विदेशी हथियार भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अब पुलिस इन पर नकेल कसने की तैयारी में। एक रिपोर्ट। झारखंड पुलिस के एटीएस की ओर से हाल के दिनों में की गई छापेमारी में कई अहम सुराग पुलिस को मिले हैं, जिसमें ये पता चला है कि अपराधी अपराध से हुई कमाई के पैसे को रियल एस्टेट के कारोबार में लगा रहे हैं। वहीं उम्र कैद की सजा काट रहे सुजीत सिन्हा जैसे अपराधी तो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी संपत्ति खरीद रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए अमन साव की, तो इस अपराधी ने रांची समेत प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी संपत्ति अर्जित की है। वहीं कोयले के काले कारोबार में भी इसकी तूती बोलती है। जेल में रहने के बावजूद अमन का आतंक पैसों के दम पर आज भी कायम है। रांची में इसके अलावा कई और गैंग्स हैं, जो भले ही वर्तमान में उतने एक्टिव नजर ना आए, लेकिन उनका आतंक भी कायम है। पूरे मामले पर रांची के सिटी एसपी बताते हैं कि अपराधी अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं दहशत फैलाने के लिए, और उसके बाद उसी के आधार पर रंगदारी और लेवी की उगाही करते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस इनके संपत्तियों को चिन्हित कर रही है ताकि इन पर नकेल कसी जा सके। तो हम उनकी जो संपत्ति होती है, जो भी अर्जित की हुई संपत्ति होती है, जो भी संपत्ति उनकी परमानेंट रेजिडेंस में हमारा आता है, उसकी कुर्की करते हैं और अच्छे से कुर्की करते हैं, ताकि उस प्रॉपर्टी का जो है, जो उस अपराधी का एक्चुअली जो भी उसको वित्तीय नुकसान जो है इसमें जरूर हो। दूसरा ये है कि जहाँ भी संपत्ति जब्ती की बात आती है, तो कई बार जो है एक लेवल होता है, उस लेवल के ऊपर अगर उनकी संपत्ति का अगर पता चलता है और हम लोग उनकी संपत्ति की जानकारी मिलती है, तो हम लोग इससे संबंधित सूचना जो है ईडी को भी देते हैं और उनके द्वारा अलग से इसमें कांड भी दर्ज किया जाता है। पुलिस के मुताबिक झारखंड के टॉप अपराधियों की सूची में फिलहाल सुजीत सिन्हा, अमन सिंह और अमन साव शामिल हैं। इनके आपराधिक गतिविधियां हाल के दिनों में सबसे ज्यादा बढ़ी। पुलिस की ओर से इनके संगठन पर सबसे ज्यादा दबिश भी दी गई है। हाल के दिनों में हुई एटीएस की छापेमारी में पुलिस को कई अहम दस्तावेज मिले, और ये बात भी सामने आई कि सुजीत सिन्हा ने नेपाल में एक होटल खरीदा है। जांच में ये बात भी सामने आई कि हजारीबाग के बड़का गांव थाना से फरार होने के बाद अमन साव ने भी नेपाल स्थित होटल को ही अपना ठिकाना बनाया था। प्रदेश के 7 जिलों में एटीएस ने एक साथ अमन साव और उसके कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान अपराधी गैंग के सदस्यों के यहां से कई अहम दस्तावेज के साथ साथ जमीन के निवेश के पेपर मिले थे। एटीएस और राज पुलिस की टीमों की जांच में ये बात सामने आई कि अपराधी अब अपने कुंडे को मजबूत करने के लिए रियल एस्टेट पे अपने पैसे लगा रहे हैं। अमन साव ने दुरंडा इलाके में स्थित कई अपार्टमेंट में अपना पैसा लगाया है। संगठित अपराध के मामले पर आईजी एवी होमकर ने बताया कि संगठित अपराध पर एक विशेष टीम काम कर रही है, जो इन आपराधिक संगठनों की ओर से दहशत फैलाकर अर्जित की गई संपत्ति को आइडेंटिफाई करने के साथ ही उसे जब्त करने की कार्रवाई में भी लगी हुई है। इनके आपराधिक गिरोह में शामिल गुर्गों को चिन्हित कर उन पर सीसीए के तहत कार्रवाई करने का काम भी टीम की ओर से किया जा रहा है। वहीं जो जेल में बंद हैं, उनके ट्रायल में तेजी लाई जा रही है। वहीं संगठनों को हथियार सप्लाई करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। तरीके से दहशत फैलाकर लोगों के द्वारा एक्सटॉर्शन या अन्य माध्यम से कमाई गई है, तो उनका अग्रतर सत्यापन कर उनके विरुद्ध जो आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है उनको जब्त करने के लिए, उसके लिए अग्रतर कार्रवाई चल रही है। साथ साथ ऐसे अपराध कर्मियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध सीसीए के अंतर्गत जो भी प्रदत्त कानूनी शक्तियां हैं उनके अनुसार जो है अग्रतर कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। कई सारे अपराध कर्मी रिसेंट टाइम्स में पकड़े गए हैं, और हमारा और एक प्रयास है कि जो अपराध कर्मी जेल के अंदर बंद है उनके ट्रायल्स को भी हम लोग प्राथमिकता के रूप में ले रहे हैं, और उसमें हम लोग उसमें भी अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो इनको इन ग्रुप्स को जो आर्म्स सप्लाई करते हैं, वैसे ग्रुप्स को भी चिन्हित किया जा रहा है, और उनको चिन्हित करके इनके जो लिंकेजेस है उन पर हम लोग कार्रवाई की कार्रवाई कर रहे हैं। और जेल में बंद अमन साव और सुजीत सिन्हा के जेल शिफ्टिंग की भी तैयारी है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर जेल आईजी और गृह विभाग से पत्राचार भी किया है, क्योंकि हाल के दिनों में इन्होंने जेल से अपने नापाक मंसूबों के जरिए हर किसी को सकते में डाल रखा है।
न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।